नमो नारायण मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही प्रोग्राम भाग्य मंथन में, जहां रोज उगता है सूरज नई उम्मीदों और आशाओं के साथ। मैं ज्योतिषाचार्य राहुलेश्वर। ईमेल प्रक्रिया द्वारा प्राप्त जन्म कुंडलियों में से हमने आज जो एक जन्म कुंडली चुनी है, उस भाग्यशाली जातिका का नाम कंचन मेहरोत्रा है, जो कि मुरादाबाद की रहने वाली है। मेरा प्रश्न अपने घर को लेके है। हम अभी अपनी सासू मां के साथ रहते हैं, उनके ही घर में। मेरे ससुर जी का देहांत हो चुका है। हमारा घर बहुत छोटा है, चार बच्चों के साथ बहुत दिक्कत होती है। फिर मेरी सासू मां भी थोड़ा गर्म मिजाज की हैं, तो कहां सुनी हो जाती है। कृपया मुझे बताएं मेरा अपना घर कब बनेगा। मेरा जन्म विवरण: नाम कंचन मेहरोत्रा, जन्म दिनांक 23/2/1974, जन्म समय 4 AM सुबह, जन्म स्थान मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। आइए कंचन जी, आपका फलित विभाग देखते हैं। कंचन जी, आपका जन्म नक्षत्र शतभिषा है, चरण चौथा नक्षत्र स्वामी जो है आपके चरण के नक्षत्र के वो राहु हैं। नक्षत्र व चरण के हिसाब से आपका जन्म नामाक्षर सु है। कंचन, आपका जन्म लग्न धनु है, जिनके स्वामी बृहस्पति देव हैं, व आपकी चंद्र जन्म राशि कुंभ है, जिनके स्वामी ग्रह शनि ग्रह हैं। आपके प्रश्न का कारक चतुर्थ भाव व एकादश भाव से आता है, अर्थात घर व घर का मिलना। कारक ग्रह आपकी कुंडली के अंदर जो इनसे संबंधित है, प्रश्न संबंधित, वह है चंद्रमा, बृहस्पति व शनि मुख्य रूप से। आइए देखें आपकी महादशा। आपकी बुध की महादशा चल रही है, जो कि कुल 17 वर्ष की होती है। यह 19/4/2011 से शुरू होकर 19/4/2028 को समाप्त होगी। आपकी जन्म कुंडली में बुध देव सप्तम व कर्म स्थान के स्वामी हैं, जो कि गोचर में मंगल शनि राहु के साथ आने पर घर में कलेश करवाते हैं। बाधक योग, आइए जानते हैं बाधक योग क्या होते हैं। जब कोई ग्रह किसी इच्छा के उपभोग में बाधा उत्पन्न करता है, तो ऐसे ग्रह को बाधक ग्रह कहते हैं। वह किसी दूसरे ग्रहों के साथ ऐसा योग बनाता है जिससे कि बाधा उत्पन्न होती है, तो उन्हें बाधक योग कहते हैं। आपकी कुंडली में जो बाधक योग है, आइए जाने। पहला बाधक योग, आपकी कुंडली में अनंत नाम का काल सर्प दोष है, जो आपका अपना घर बनाने में बाधक है। दूसरा बाधक योग, भवन भाव के स्वामी का 12वें भाव में जाना। कारक भाव के स्वामी के 12वें भाव में जाने से कारक भाव कमजोर पड़ जाता है, अर्थात आपके भवन का जो सपना है, उसका स्वामी 12वें भाव में मतलब देरी करवाने वाला है। तीसरा बाधक योग, लग्न में नीच राशि में स्थित राहु का आपके भाग्य को देखकर कमजोर करना, जी हां, जो कि भवन बनाने में बहुत बड़ा बाधक है। आइए जाने हमारा निष्कर्ष आपकी कुंडली में। कंचन जी, आपकी जन्म कुंडली में घर का योग तो है, आपकी सासू मां का घर भी आपका ही है, परंतु फिर भी आपकी हट है कि आपका अपना घर होना चाहिए। यह एक अच्छी सोच का उदाहरण नहीं है, फिर भी आपके अपने घर का सपना 2016 से 2017 में पूरा हो जाएगा, परंतु आप फिर भी अपनी सासू मां के साथ ही रहेंगी। 2-3 साल यदि आप कहीं और रह भी लें, फिर भी आप वापस लौट आएंगे। अपनी सास को अपनी मां मानिए और उनकी कई बातों को अपने दिल से ना लगाएं। आइए, आपके लिए हम कुछ उपचार बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं, उन्हें ध्यान से सुने। पहला उपाय मंत्र क्षेत्र से, ओम धूम्र केतवे नमः का जाप पूरे दिन करें। यह राहु और केतु से संबंधित गणेश जी के मंत्र हैं, जिससे आपका जो सपना है वह पूर्ण होगा और जो काल सर्प योग आपकी कुंडली में बन रहा है, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरा उपाय आ रहा है आपका यंत्र क्षेत्र से, गणेश जी का सिद्ध यंत्र पूर्व दिशा में स्थापित करें व रोज उनका पूजन करें। तीसरा उपाय आता है रत्न क्षेत्र से, 5.25 रत्ती का पुखराज स्वर्ण में धारण करें शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन सुबह। चौथा उपाय आता है दान क्षेत्र से, शनिवार के दिन काली उड़द व आटा बूढ़े लोगों को दान करें। पांचवा उपाय आता है पूजा व अनुष्ठान से, रोज सुबह विष्णु चालीसा व उनका आरती का पाठ करें। रामेश्वरम तीर्थ स्थल के दर्शन परिवार के साथ अवश्य जाएं, इससे सब मंगल होगा व आपके परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। दोस्तों, भाग्य मंथन में हम रोज एक कुंडली का मंथन करते हैं व अंत में उनकी समस्याओं का समाधान बताते हैं। यदि आपकी समस्या भी बताई गई जन्म कुंडली जैसी हो, तो आप भी इन अचूक व सटीक उपायों को प्रयोग कर इनसे लाभ उठा सकते हैं, या फिर अपनी जन्म कुंडली के विस्तृत रूप से मंथन के लिए हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे ईमेल आईडी व फोन नंबर पर अभी संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलिए मुझसे भाग्य मंथन में और बदले अपना भाग्य मेरे साथ। नमस्कार, आपका दिन
शुभ व मंगलमय हो।